बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे इज़ 23rd July 2020 थर्सडे एंड योर डायरी इज लेसन नंबर 5 रीडिंग बुक पेज नंबर 35 to 36। सो ओपन योर बुक पेज 35। आज हम लोगों ने रीड करना है कोस्टल मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। अब कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोस्टल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट का दूसरा नाम ही मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कोस्टल उन फॉरेस्ट को कहते हैं जो साहिलों पे पाए जाते हैं, और मैंग्रोव कहते हैं उस जगह को जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दरख्त और श्रब्स पाई जाती हों, तो कोस्टल फॉरेस्ट को ही मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। दे आर फाउंड इन द इंडस डेल्टा एंड कोस्टल एरियाज ऑफ अरेबियन सी अराउंड द कोस्ट ऑफ कराची एंड पसनी इन बलोचिस्तान। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, साहिल तो है लेकिन किन साहिलों पे? दे आर फाउंड इन द इंडस डेल्टा, हमारे पास जो दरियाए सिंध है वहाँ पे, एंड कोस्टल एरियाज ऑफ अरेबियन सी, और हमारे पास जो अरेबियन सी है उसके साहिल पे ये पाए जाते हैं कोस्टल फॉरेस्ट। द कोस्ट ऑफ कराची एंड पसनी इन बलोचिस्तान। अब अरेबियन सी हमारे पास कराची के साहिल से लेके पसनी तक वाकया है, जो पसनी एक जगह है जो कि बलोचिस्तान में पाई जाती है। दे प्रोवाइड फूड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ कहते हैं जो समंदरों में रहने वाली डिफरेंट तरह की फिशेज वगैरह या और भी डिफरेंट काइंड के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं ये फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट है आप लोगों का यूजेज ऑफ ट्रीज। दरख्तों को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार इनके इस्तेमाल आते हैं वो हम देखते हैं। ट्रीज हैव मैनी यूजेज, दरख्तों के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। फ्यू आर एस अंडर, उन्होंने कुछ नीचे दिए हुए हैं। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, आप लोगों को पता है जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, दरख्तों से। नट्स वगैरह, फ्रेश एयर, शेड, फ्लावर, हमें फ्लावर, साया, ताज़ा हवा कहाँ से मिलती है, दरख्तों से मिलती है। ट्रीज प्रोवाइड सॉइल फ्रॉम इरोडिंग एज द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। इरोडिंग कहते हैं फटने को, ज़मीन के फटने को, तो ट्रीज जो है वो ज़मीन को प्रिवेंट करते हैं फटने से। कैसे, क्योंकि रूट्स जो होती है ना दरख्तों की जड़ें, उन्होंने सॉइल को आपस में जोड़े हुए रखा हुआ होता है, तो इस तरह ये ज़मीन को भी प्रिवेंट करती हैं इरोडिंग से। नेक्स्ट है मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसन आर मेड फ्रॉम द बार्क, लीव्स एंड द सैप ऑफ ट्रीज। बड़ी ही बहुत सारी मेडिसन्स हैं आप लोगों को पता है वो भी दरख्तों से हासिल करते हैं। कुछ बार्क, बार्क कहते हैं दरख्तों की ऐसे जो शाख नहीं होती, शाख के ऊपर जो कवर सा होता है उसको कहते हैं बार्क। कुछ मेडिसिन उनकी बार्क से बनाई जाती है, कुछ लीव्स उनके पत्तों से बनाई जाती हैं एंड द सैप ऑफ ट्रीज, कुछ उनके अंदर जो लिक्विड निकलता है ना कुछ उससे बनाई जाती है मेडिसिन। दे आर यूज इन मेकिंग पेपर एंड फर्नीचर, जितना भी फर्नीचर है वो सारे का सारा दरख्तों की लकड़ी से बनता है। पेपर आप जो कागज़ यूज़ करते हैं आपकी बुक्स नोटबुक्स वगैरह में, वो भी सारे दरख्तों की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। ट्रीज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दरख्तों ने ही ज़मीन के टेम्परेचर को मेनटेन किया हुआ है। दे आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को पता है दरख्तों से हम क्या हासिल करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो दरख्त एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो इस तरह उन्होंने अर्थ को मेंटेन किया हुआ है, अर्थ के टेम्परेचर को भी, और ये सारा काम भी करते हैं। आप नीचे देखें उन्होंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मेडिसन्स बहुत सारी दरख्तों से बनाई जाती हैं, शेल्टर रहने के लिए जो घर वगैरह होते हैं वो भी हम दरख्तों की लकड़ी से बनाते हैं। फूडर, बड़ी ज़्यादा जो फूड्स हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह वो भी दरख्तों से हासिल करते हैं। फ्यूल, लकड़ी जलाने के लिए वो भी दरख्तों से लेते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स, हॉकी बैट्स, जितने भी इस तरह खेलों के सामान हैं मोस्टली वो दरख्तों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। फर्नीचर मोस्टली दरख्तों की लकड़ी से बनाया जाता है। हनी, जो शहद है वो भी हम दरख्तों से हासिल करते हैं, वो शहद की मक्खियाँ जो हैं वो दरख्तों पर जाके अपने वहाँ पे बनाती हैं छत्ता, और वहाँ से हम लोग फिर शहद लेते हैं। फ्रूट्स, वो भी हम लोग दरख्तों से लेते हैं। गम एंड लैक, जिसको आप ये गूंद वगैरह नहीं कहते, कि चिपकने वाला सब्सटेंस होता है, वो भी दरख्तों से लेते हैं। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो दरख्तों पर रहते हैं। टिम्बर, लकड़ी को ही कहते हैं। रबर, ये भी हम लोग दरख्तों की लकड़ी से ही हासिल करते हैं, तो ये सारे इनके यूजेस से। सो ओपन योर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, अब मिनरल्स कहते हैं मादनियात को एंड रिसोर्सेज, वो कहाँ कहाँ से हम लोग हासिल करते हैं ये हम लोगों ने रीड करना है।
मिनरल्स मेकअप अर्थ रॉक सैंड एंड सॉयल। हमारे पास जो मद नियात हैं वो जमीन की चट्टाने रेत और मिट्टी बनाते हैं। दे आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस एज वेल एज डीप अंडरग्राउंड। ये अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं, या तो हमें जमीन की सतह पे ही मिलते हैं या फिर बहुत नीचे जाके हम जमीन को खोते हैं तो वहाँ से हमें ये हासिल होते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है कि किसी भी प्लांट या एनिमल से हासिल नहीं होते, इनको हम अर्थ से ही जमीन से ही निकालते हैं खोद के, वो हम लोगों ने देख लिया, या तो उसकी सरफेस के ऊपर से ही मिल जाते हैं या फिर डीप अंडर द ग्राउंड। विच डू नॉट कम फ्रॉम एन एनिमल आर प्लांट। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ना तो हमें किसी एनिमल या प्लांट से मिलते हैं, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दरख्तों पे लगेगी, या कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी एनिमल हमें दे देगा। मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। आगे उन्होंने मिनरल्स को दो क्लासेज में क्लासीफाई किया हुआ है, एक क्लास है मेटालिक और एक है नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में आ जाती हैं धाती मिनरल्स जिनके धाती मदनियात, और नॉन मेटालिक में आ जाती हैं गैर धाती। मेटालिक में है एक हमारे पास कॉपर और एक है क्रोमाइट। अब कॉपर जो है एरियाज वेयर दे आर फाउंड एंड यूज्ड फॉर, पहले हमने बताना है कि मेटालिक मिनरल कॉपर है और एक क्रोमाइट है, दूसरा हमने बताना है कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं और इनका यूज भी बताना है। कॉपर पाया जाता है हमारे पास डेरा इस्माइल खां में, और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। जितनी भी हमारे पास बिजली की तारें हैं वो सारी की सारी कॉपर की बनी हुई होती हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। नेक्स्ट है करोमाइट। अब करोमाइट मुस्लिम बाग, चागी, खुजदर, ये सिटीज़ के नेम है, यहाँ यहाँ पर ये पाया जाता है करोमाइट। इससे हम क्या करते हैं, मेकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एरोप्लेन स्ट्रक्चर। इससे हमारे पास जितना भी ये स्टील होता है ना, शाइन वाला जो दाग के बगैर स्टील होती है, वो बनाई जाती है। एरोप्लेन स्ट्रक्चर और एरोप्लेन का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा स्केलेटन वो करोमाइट का ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक हमारे पास साल्ट है और एक जिप्सम है। साल्ट कहाँ पर पाया जाता है, खेड़ा माइंस। आप लोगों को पता है वहाँ पर इसकी कान है खेड़ा में। और साल्ट कहाँ पे यूज़ होता है, फूड में, मेडिसन, फूड और मेडिसिन में। हम जितना भी खाना पकाते हैं उसमें, जितने भी खाना पकाते हैं फूड में हम लोग साल्ट यूज़ करते हैं। हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं उनमें भी साल्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम पाया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियांवाली, यानी कि जो हमारे पास मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाया जाएगा। जेलम में पाया जाता है, भालपुर में, सिब्बी में, कोहाट में, ये सिटीज़ के नेम है। अब इसका यूज़ किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र। सीमेंट जितना भी है वो जिप्सम से ही बनता है, फर्टिलाइज़र जितनी भी खादें हैं उनमें जिप्सम इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, ये देखिए ये कॉपर है, ये करोमाइट है, ये साल्ट है, और ये हमारे पास जिप्सम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।